to Start Growing YouTube channel. My name is Lokesh Naga. Start करते हैं रेलवे सीरीज का फिफ्थ वीडियो. ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नोबेल के बारे में है. नोबेल प्राइज से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो, बैंक का हो, या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम से हो. चाहे 2017 से पूछ लेंगे या 2018 से पूछ लेंगे, किसको किस में नोबेल प्राइज मिला ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं नोबेल की. तो ये नोबेल शब्द किस से लिया गया है? ये लिया गया है एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने ही डायनामाइट की खोज करी थी, तो उनके नाम से ही ये नोबेल लिया गया है. ठीक है, और ये नोबेल प्राइज कब स्टार्ट किए गए? ये स्टार्ट किए गए थे 1901 से, ये देना स्टार्ट हुआ था इनका. ठीक है, और जो अल्फ्रेड नोबल थे वो एक बिजनेसमैन थे, हथियार बनाते थे, और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे. ठीक है, तो जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपने सारी संपत्ति एक नोबेल ट्रस्ट को दे दी, और उसी ट्रस्ट में बहुत सारे पैसे हो गए क्योंकि उनके नाम पे 300 से ज़्यादा पेटेंट बने हुए थे. तो उन्हीं पैसों से नोबेल प्राइज साइंटिस्टों को हर साल दिया जाता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नोबेल. ये जो नोबेल प्राइज है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है. ठीक है, पहला देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में. 2017 में किसको दिया गया था? जेफरी सी हॉल को दिया गया था, माइकल रोज बॉस को दिया गया था, और माइकल डब्ल्यू एन को दिया गया था 2017 में. ठीक है, बात करें 2018 में किसको मिला, दो लोगों को मिला है, जेम्स पी एलिसन को और तासाकु होंजो को मिला है 2018 में. ठीक है, बात करते हैं भौतिकी. भौतिकी के क्षेत्र में 2017 में किन किन को मिला है? तीन लोगों को मिला है. तीन किन कौन कौन है? वो है ट्रेनर वीस, बेरिस सी बेरिस, कीप एस थोन ने. इन तीन को भौतिकी के क्षेत्र में 2017 में नोबेल प्राइज मिला था. बात करें 2018 में इस साल किन को मिला है? इस साल भी तीन लोगों को मिला है, वो है आर्थर ऑक्सिन, जेराड मोरो, डोना स्ट्रिकलैंड. ठीक है, इन तीन को 2018 में मिला है अभी अक्टूबर में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बात करें रसायन विज्ञान में 2017 में किसको मिला था? किसको मिला था? जैक्स डोबोकेट को, साथ में जोचिम फ्रेंक को और रिचर्ड हेडरसन को 2017 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है, 2018 की बात करें इस साल किन किन को मिला है? ये तीन लोगों को मिला है. किन किन को मिला है? फ्रांसिस आर्नोल्ड को, जॉर्ज स्मिथ को और ग्रेगरी विंटर को 2018 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला है. साहित्य इस साल स्पेशल रहा है, 2017 में तो मिला था, किसको मिला था? काजुओ इसुगुरो को 2017 में इतिहास में नोबेल प्राइज मिल गया था, लेकिन 2018 में किसी को भी नहीं दिया गया. ठीक है, बात करते हैं शांति पुरस्कार. शांति पुरस्कार 2017 में एक को ही मिला था, वो था आईकेएन, एक ऑर्गेनाइजेशन थी ICAN, उसकी शॉर्ट फॉर्म है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया था. ठीक है, शांति के क्षेत्र में 2018 में किन किन को मिला है? दो लोगों को मिला है, एक तो मिला है नादिया मुराद को और एक मिला है डेनिस मुकवेज को. ठीक है, 2018 में इन दो को शांति में नोबेल प्राइज मिला है. ठीक है, आगे चलते हैं अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में किन को मिला है? 2017 में एक को मिला था, उनका नाम है रिचर्ड एच थालर है, उनको मिला था 2017 में. और 2018 में किन को मिला है? दो लोगों को मिला है, विलियम डी नॉड हॉर्स को और पॉल एम रोमर को. इन दोनों को 2018 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है. जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, नोबेल प्राइज किसके नाम पर दिया जाता है? एक अल्फ्रेड नोबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो एक कारोबारी थे, हथियार निर्माता कंपनी के मालिक थे, उनके नाम पे दिया जाता है, और उन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, और इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी. ठीक है, तो ये हो गए नोबेल प्राइज 2017-18 में किन किन को क्या क्या मिला. ठीक है, ये रेलवे सीरीज का फिफ्थ वीडियो है. रेलवे सीरीज में जो भी टॉपिक डालूंगा मैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट होंगे, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स होंगे. तो न केवल रेलवे के लिए है, बल्कि वो SSC, बैंक, किसी भी एग्जाम, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि रेलवे के लिए डाल रहा हूँ मैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो.
करंट अफेयर का वीडियो डाल रहा हूँ तो उनको भी देखा करें और बताएं मुझे कि क्या आप चाहते हैं करंट अफेयर्स के वीडियो में, कैसे क्या क्या करंट अफेयर चाहते हैं, ताकि मैं उस पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए काफ़ी हेल्प होगा और चैनल भी हेल्पफुल होगा मेरे लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।